सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग थिंग सीजे। गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कलर ओएस 7 के रिगार्डिंग, और साथ ही इस वीडियो में आप लोगों का दो कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, एक रियलमी ओएस को लेकर एंड एक कलर ओएस 7 को ही लेकर। यहाँ पर ये दोनों के बीच में आप लोग काफी कन्फ्यूज हो गए कि रियलमी अपने डिवाइसों में अपने खुद के रियलमी ओएस प्रोवाइड करेगा या फिर वही कलर ओएस की सीरीज ही प्रोवाइड करेगा। तो ये वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप लोग विदाउट स्किप किए हुए देखना ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, रियलमी ओएस को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ में हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि रियलमी ओएस जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि रियलमी ओएस की काफ़ी सारे अफवाहें उड़ी है एंड काफ़ी सारे वीडियोस भी पोस्ट हुए हैं यूट्यूब पर। तो वो वीडियो देखकर काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि रियलमी ओएस जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि रियलमी ओएस जो है वो अभी नहीं आएगा। यहाँ पर खुद रियलमी के CEO माधव सेठ ने बोल दिया है कि रियलमी के जितने भी सारे डिवाइसेज हैं उन सारे डिवाइसों में अभी तक कलर ओएस की सीरीज़ अच्छी चल रही है, और आने वाले टाइम पे भी वो कलर ओएस की सीरीज प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे साथ ही उसने कलर ओएस 7 की भी जिक्र कर दिए कि कलर ओएस जो 7 है वो बहुत जल्द रियलमी के डिवाइसों में देखने को मिलने वाला है, और इस कलर ओएस 7 पे आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर यह जो न्यूज है वो बहुत ही बड़ी न्यूज है कि रियलमी के जितने भी सारे डिवाइसेज है उन सारे डिवाइसों में बहुत ही जल्द कलर ओएस 7 का अपडेट देखने को मिलने वाला है, और वहां पर आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को कलर ओएस 7 की जो न्यूज है वो फेक लग रही थी, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाया था कलर ओएस 7 को लेकर, तो वहां पे मेरे को काफी सारे ये कमेंट आए थे कि कलर ओएस 7 फेक है। अभी तक कलर ओएस 6.0.1 का अपडेट ही नहीं मिला और कलर ओएस 7 क्यों मिलेगा। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं एक वीडियो आस्क एपिसोड माधव सेठ का 11, तो वहां पे आपको माधव सेठ खुद बताएंगे कलर ओएस 7 के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन कि कलर ओएस 7 जो है वो बहुत जल्द रियलमी के डिवाइसों में आने वाला है। ColorOS 6.0.1 for Realme devices. Why 6.0.1? Let's directly roll out ColorOS 7. तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने सुना, ये बंदे ने पूछा रियलमी के CEO माधव सेठ से कि कलर ओएस 0.0.1 कलर ओएस 6.0.1 का जो अपडेट है वो रियलमी के डिवाइसों को कब मिलेगा। तो यहाँ पर माधव सेठ ने क्या बोला वो तो आप लोगों ने सुना, वे कलर ओएस 6.0.1 कलर ओएस 6.0.1 लेस डायरेक्टली रोल आउट कलर ओएस 7। तो यहाँ पर माधव सेठ ने ये बोला कि वो डायरेक्टली कलर ओएस 7 को रोल आउट कर देंगे कलर ओएस 6.0.1 से पहले। यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हम लोग जो समझ रहे थे कलर ओएस 6.0.1 का अपडेट Realme 2 एंड C1 एंड काफी सारे डिवाइसों में आ चुका है, तो वो कलर ओएस 6.0.1 का अपडेट नहीं था। और हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारे डिवाइसों में कलर ओएस 6.0.1 का अपडेट आ चुका है, नोटिफिकेशन पैनल चेंज हो चुका है, स्क्वायर साइज पे थी अभी सर्कल साइज पे हो चुकी है, तो वो कलर ओएस 6.0.1 का अपडेट नहीं था और अभी आएगा भी नहीं, वो डायरेक्टली आपको कलर ओएस 7 ही अपडेट रोल आउट कर देंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ कलर ओएस 7 के रिगार्डिंग, तो पहले आप लोग देख लो उसके बाद हम लोग बात करते हैं। मोस्ट एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस ऑन आवर कम्युनिटी इज Realme OS, इज इट स्टिल इन वर्क्स, एंड इफ यस व्हेन आर यू गोइंग टू लॉन्च इट। Realme स्मार्टफोन्स आर बेस्ड ऑन कलर ओएस एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो। However, we have worked on the user feedback and ColorOS 7 version will have an exclusive version only for Realme phones. And with participation from our developers, it would be much closer to a stock Android experience. Great, looking forward to ColorOS 7 with stock Android experience. तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने सुना, मैं आपको पहले टेक में भी बता चुका था कि Realme OS जो है वो अभी नहीं आने वाला। यहाँ पे माधव सेठ ने ये बोला कि Realme स्मार्टफोन कलर ओएस पर ही आधारित है और हम इसे करना जारी रखेंगे। तो यहाँ पे माधव सेठ का डायरेक्टली ये कहना है कि अभी Realme के स्मार्टफोनों पर कलर ओएस जो है वो अच्छा चल रहा है और हम इसे हटाना नहीं चाहते, तो जब तक कलर ओएस हटेगा नहीं तो Realme OS कैसे आएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझो कि Realme OS जो है वो अभी नहीं आने वाला है, और बहुत ही जल्द Realme के स्मार्टफोनों पर कलर ओएस 7 का सपोर्ट बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो यार गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर।